बनाने जा रही हूँ टोमेटो चिकन। ये मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, और ये देखिए ये है 6 टमाटर, 4 प्याज और 2 हरी मिर्चा। और ये जो है आधा कप जो है दही है, ये मैरिनेशन के लिए यूज़ करूँगी मैं। और ये प्याज है मैंने ब्राउन कर ली है, यही वाली में से 2 प्याज ब्राउन कर ली है। ये जो 500 ग्राम मैंने चिकन लिया इसमें ये मैं आधा कप दही मैरिनेशन के लिए डालूंगी। ये अब इसमें जो है 1 चम्मच लाल मिर्चा डालूंगी, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। ये थोड़ी सी हल्दी, ये सूखा धनिया, और ये मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच ये नमक डालूंगी। सबको अच्छे से जो है मिक्स करूंगी। बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये मेरा मैरिनेशन हो रहा है, और इसको आपको 25 मिनट के लिए मिक्स फ्रिज में रखना है। ये जो मैंने चिकन फ्रिज में रखा था मैरिनेशन के लिए वो मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये कढ़ाई ली मैंने और इसमें मैं फ्राई करूँगी। ऑयल को थोड़ा गर्म करती हूँ फिर ये डालती हूँ। मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, क्योंकि अब मुझे फ्राई करना है इसको। ऐसे इसको मुझे फ्राई करना है। आँच आपकी जो है धीमी रहेगी, हाँ मीडियम आंच पे करना है आपको। ये देखते हैं जो मैंने ये चिकन फ्राई करने के लिए रखा था, ये देखिए फ्राई हो गया है। और ये आपको इसी तरह से करना है पूरा पानी सुखाते हुए, और इसको मुझको जो है ये देखिए एक ये कटोरी में हमें कोला रखना है, और ये थोड़ा गर्म करने का इंतज़ार करेंगे। कोले का थोड़ा सा ही गर्म हो जाएगा, इसकी धुनी देनी है। इसकी धुनी देने से एक स्मोकी फ्लेवर आता है बहुत अच्छी में। अभी ज़रा से गर्म हो जाए ये, तो हमारी ये कटोरी गर्म हो जाए और ये मेरा कोयला गर्म हो जाए। ये थोड़ा सा गर्म होने हो रहा है, और अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने में। ये गर्म हो रहा है, ये आप इस धुनी देंगी तो देखिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे टेस्ट में। और आपको चिकन को जो है जैसे मैंने फ्राई करा है बस ऐसे ही फ्राई करना है। उससे ये होगा, ये आपको पानी भी अपना सुखा लेना है, क्योंकि चिकन में एक अपनी भी एक स्मेल होती है, और वो अगर रही तो फिर बाद में जो है वो आप, तो इसीलिए जो है आपको ये ध्यान रखना है।
कि इसका जो है सारा जो मेरा दही का मैरिनेशन का पानी था, दही था, मसाले थे और खुद चिकन का अपना था कुछ पानी, वो सब ड्राई हो जाए, तब एक फ्लेवर उसमें निखर के आएगा। ये कोला गरम हो चुका है, इस पर इधर से मैं देसी घी डाल दूंगी और इसको ढक दूंगी। ये इसकी धुनी हो गई है और ये मैं कटोरी हटा लेती हूँ और ये मैं चिकन इधर निकाल लेती हूँ। अब ये मैं प्यूरी बनाऊंगी, जो मैंने टमाटर लिए थे उसकी प्योरी बनाऊंगी। ये मैंने आधा कप जो ऑयल था, आधे में से आधा लिया था फ्राई करने के लिए चिकन में और आधा मैंने ये ले लिया है ये से ये तलने के लिए। मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और ये जो मैंने 6 टमाटर थे लिए थे प्योरी बनाई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें जो है 2 प्याज भी डाली है ये मैंने। और टमाटर में आपको पानी नहीं डालना है जब प्योरी बनाएंगे। अब मिक्सी के जार में मैंने ये पीसा है और इसको अच्छे से आपको ऐसे भूनना है, तेज आंच में आप भूनिए इसको। सूखी आधी चम्मच हल्दी डालनी है और ये इसमें जो है 1 चम्मच और 1 चम्मच ये 2 चम्मच लाल मिर्च डाली। इसमें कश्मीरी मिर्च भी मिली हुई है, 1 चम्मच वो 1 चम्मच वो मिली है। पहले 1 चम्मच मैरिनेशन में डाली थी और ये जाएगा इसमें सूखा धनिया, ये इसमें जाएगा गरम मसाला 2 चम्मच। ये जो है ये आपको अच्छे से तेज आंच पे भूनना है। एक चम्मच ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल ली हूँ, 1 चम्मच मैंने पहले डाला था और ये मैंने जो ब्राउन की थी प्याज, 2 प्याज तो मैंने प्यूरी में बनाई थी और 2 प्याज मैंने ब्राउन करके पीसी थी मिक्सी में, वो ये है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप मिला के देखिएगा। इसे ग्राइंडर में पीस लीजिए, फ्राई कर लीजिए गोल्डन फ्राई प्याज और फिर बाद में जो है पीस के थोड़ी प्योरी भून जाए तब प्याज मिलाइए। अब इसको थोड़ा सा डाल के भूनूंगी मैं अपने मसालों को। ये हमारी ग्रेवी भुन गई है, अब इसमें हम ये चिकन के पीसेस डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे। इसको आपको जो है मिलाना है ऐसे, इसको जो है मिलाते हुए, हाँ हल्के हल्के हाथों से मिलाना है आपको। और फिर जब अच्छे से ये मिल जाएगा और आपको इसको ज़रा सा 5 मिनट भूनना भी है। चिकन का मसाला जो था मेरा और ये ग्रेवी सब देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इस स्टेज पे आपको बिल्कुल ऐसी स्टेज पे आपको 1 कप पानी डालना है बस। ये देखिए 2 कप पानी हमने डाला, 1 कप बाद में पानी और मिलाया है और ये ऐसे पक रहा है और इसकी आंच धीमी कर देंगे और इसको जो है ढक देंगे। ढक के जो है हमें 10 मिनट जो है और पकाना है। आइए देखते हैं, मेरा जो है टमाटो चिकन पक रहा था, देखिए बन गया ये। अब इसको सर्विस बोल में निकालती हूँ। ये देखिए बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया ये।
ये देखिए मेरा टमाटो चिकन बनके रेडी है और मज़ेदार लज्जतदार बना है। और आप भी खाइए, इसको बनाइए इसी तरह से मेरे ही बनाए हुए तरीके से, और इसको आप पराठे के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, प्लेन रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। जितना दिखने में है उतना खाने में इससे अच्छा लगेगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने।